दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था? आज हम आपको बताएंगे बाबा साहब के शैक्षणिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अंबेडकर ने सतारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षणिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसीलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एलिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1913 में अंबेडकर 22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां से उन्होंने 1915 में स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें अर्थशास्त्र उनका प्रमुख विषय था। 1916 में अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स में एडमिशन लिया। 1922 में उन्हें बैरिस्टर एट लॉज की डिग्री मिली। 1923 में उन्हें अर्थशास्त्र में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा गया और 1927 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई। अंबेडकर की तीसरी और चौथी डॉक्टरेट कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और मानिया विश्वविद्यालय 1953 में मिले, जो सम्मान के तौर पर उन्हें दी गई थी।